नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष शरद पूर्णिमा की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा को कौमुदी पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा तथा कुमार पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन 5 देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें धन की देवी लक्ष्मी, चंद्रदेव, कुबेर, भगवान शिव और श्री कृष्ण भगवान शामिल हैं। वर्ष भर में आने वाली सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा सबसे अधिक चमकीला और देखने में आकर्षक लगता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से सुसज्जित होता है और पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट भी होता है। आइए शुरू करते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थी। दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी बेटी हमेशा पूरी निष्ठा के साथ पूर्णिमा के व्रत का पालन करती थी, परंतु छोटी बेटी व्रत को पूरा ही नहीं करती थी। वह हमेशा आधा अधूरा ही व्रत करती थी। कुछ समय बाद दोनों बेटियों की शादी हो गई। विवाह के बाद साहूकार की बड़ी बेटी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वहीं दूसरी ओर छोटी बेटी, जो व्रत को ठीक प्रकार से कर ही नहीं पाती थी, उसकी संतान होने से पहले ही मर जाती थी। इस बात को लेकर वह बहुत परेशान रहने लगी। यह सब देखकर साहूकार ने विद्वान पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारी पुत्री पूर्णिमा का व्रत आधा अधूरा करती थी, जिस कारण उसकी संतान पैदा होते ही मर जाती है। यदि वह पूर्णिमा के व्रत को पूरे विधि विधान से करे तो उसकी संतान जीवित रह सकती है। यह सब जानने के बाद साहूकार की छोटी बेटी ने पूरे विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत किया। इस बार साहूकार की छोटी बेटी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ और वह कुछ समय तक जीवित भी रहा, परंतु कुछ दिन बाद उसका पुत्र मर गया और उसने अपने मरे हुए बेटे को लकड़ी के पीढ़े पर लिटाकर उस पर कपड़ा ढक दिया और वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर ले आई और अपनी बहन को उसी पीढ़े पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही उसकी बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसकी साड़ी बच्चे को छू गई और उसकी बड़ी बहन की साड़ी के छूते ही उसका बच्चा रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन को आश्चर्य हुआ और उसने अपनी छोटी बहन से कहा, तुम अपनी संतान के मरने का दोष मेरे ऊपर लगाना चाहती हो? इस पर छोटी बहन ने कहा, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, परंतु आपके छूने से यह जीवित हो गया है। इस प्रकार उन दोनों बहनों की श्रद्धा शरद पूर्णिमा के व्रत की ओर और भी अधिक हो गई और दोनों बहनें पूरे विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत करने लगी। हे प्रभु, जैसे आपने साहूकार की दोनों बेटियों पर कृपा की और उन्हें संतान प्रदान की, उसी प्रकार सभी व्रतधारियों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जब शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर धरती पर अपनी किरणें बिखेरता है तथा अमृत की वर्षा करता है, उस समय लक्ष्मी जी की पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। आयुर्वेद के अनुसार इस दिन चंद्रमा न केवल 16 कलाओं के साथ चमकता है, बल्कि इसकी किरणों में कुछ ऐसे गुण विद्यमान होते हैं जो शरीर को पोषकता प्रदान करते हैं। इसीलिए शरद पूर्णिमा का लाभ उठाने के लिए चावल की खीर बनाकर चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे छोड़ दी जाती है। चांदनी रात में रखने के बाद सुबह में इस खीर का सेवन किया जाता है। इसके अलावा अगर आप आँखों की समस्या से परेशान हैं, तो शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को खुली आँखों से देखना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार
शरद पूर्णिमा की रात को चंद्र दर्शन करने से आँखों के रोग खत्म हो जाते हैं और साथ ही आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात को चंद्र देव की पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन कुबेर की पूजा भी की जाती है क्योंकि यह धन के देवता हैं। शरद पूर्णिमा पर भगवान शिव की उपासना का भी विधान है। मान्यता है कि इस पूर्णिमा पर भगवान शिव को खीर का भोग लगाने से शिव शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी तथा गोपियों के साथ रास रचाया था। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा का व्रत रखने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। विवाहित महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना हेतु यह व्रत रखती हैं। जो लोग पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उन्हें शरद पूर्णिमा के दिन से ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उड़ीसा में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। महादेव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म इसी पूर्णिमा को हुआ था। कुंवारी लड़कियां श्वेत वर्ण आकर्षक सुंदर कार्तिकेय की पूजा उनके जैसा पति पाने के लिए करती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रात धन की देवी लक्ष्मी जी अपने वाहन पर सवार होकर घूमती हैं और यह देखती हैं कि कौन कौन जग रहा है और जो जग रहा होता है उस पर माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती हैं। आइए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे या मिट्टी के कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश की स्थापना के बाद उसे लाल कपड़े से ढक दें। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार कलश में पैसे डालें। शाम को चंद्रोदय के समय अपनी क्षमता के अनुसार दिए जलाएं। यदि दियों की संख्या 108 हो तो बहुत ही बेहतर है। शरद पूर्णिमा की पूजा में प्रसाद के लिए चावल और दूध की खीर बनानी चाहिए और लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। पूजन के बाद सबसे पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अथवा घर के बड़े सदस्य को प्रसाद के तौर पर खीर खिलाएं। शरद पूर्णिमा पर रात में जागने का विधान है, इसलिए रात में जागरण कर भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। रात्रि जागरण के बाद सुबह सूरज उगने पर कलश और प्रतिमा का विसर्जन करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीम श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मे नमः। कुबेर जी की पूजा करते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। शरद पूर्णिमा की रात को सौभाग्य प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पुत्र पोत्रम धनम धान्यम हस्त यशवादि ग्वेर्थम प्रजानाम भवसी माता आयुष्मंतम करो तु मे। शरद पूर्णिमा पर भगवान शिव की पूजा करते हुए शिवलिंग को जल से स्नान कराने के बाद सफेद चंदन अक्षत बिल्वपत्र फूल तथा मिठाई का भोग लगाकर इस मंत्र से पूजा करनी चाहिए। यह शिव मंत्र मृत्यु भय गरीबी व हानि से रक्षा करने वाला भी है। पंचवक्त्र कराग्रह स्वैर्दश भिश्चैव धारयन् अभयम् प्रसादम् शक्तिम् शूलम् खटवांगमीश्वर दक्षय करैर वाम कैशच भुजंग चाक्ष सूत्रकम् डमरूकम् नीलोत्पलम् बीज पूरक मुक्तमम्। शरद पूर्णिमा की रात को गोपी कृष्ण मंत्र का पाठ करने का भी महत्व है। आइए जानते हैं गोपी कृष्ण मंत्र।
ओम श्री ह्रीम क्लीम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय श्रीम श्रीम श्रीम। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम चम चंद्रमस्ये नमः दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।